हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच में रोड ब्रिज, साथ साथ एक पेट्रोलियम लाइन को भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। हाल ही में लास्ट फ्राइडे को श्रीलंका के प्रेसिडेंट रनिल विक्रम सिंधे और पीएम मोदी के बीच में ये बात हुई और डिसाइड हुआ कि हम लोग एक फिजिबिलिटी स्टडी कैरी आउट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग लैंड ब्रिज और पेट्रोलियम लाइन को कंस्ट्रक्ट कर सकें। आइए देखते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच की ट्रेड, यानी ट्रेड कितना होता है, हम लोग आपस में ट्रेड कितना करते हैं। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में 5.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। इंडिया श्रीलंका का सबसे बड़ा बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। आप देखेंगे इंडिया की जो नेबरहुड पॉलिसी है, जिसमें इंडिया नेबरहुड के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप बना के रखता है। आप देखेंगे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान के साथ हम रोड ब्रिज के साथ, रोड के साथ कनेक्टिविटी है हमारी। लेकिन श्रीलंका, जो कि हिंद महासागर में एक आइलैंड है, उनके साथ हमारा जो ट्रेड होता है वो शिपमेंट के थ्रू होता है, शिप के थ्रू होता है। अगर हम शिपमेंट की जगह पे अगर हम रोड के साथ ट्रांसपोर्ट करें, अगर हम एक रोड ब्रिज बना दें और इंडिया से श्रीलंका के बीच में हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोड के थ्रू कनेक्ट करें, तो करीब 50% एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट ड्यूटी है वो हमारा बच जाएगा। 50% एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट ड्यूटी हमारा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच जाता है।